भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत जवारीपुर के समीप पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति की पहचान 0 माइल औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र निवासी पप्पू यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं। जानकारी के अनुसार तिलकामांझी की पुलिस मंगलवार की देर रात गश्ती कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था ने युवक के पास से एक देसी कट्टा कारतूस बरामद किया है, जिसके बाद तिलकामांझी पुलिस उसे लेकर थाना आई। वहीं पुलिस ने बुधवार को आरोपी अधिवक्ता को CGM के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तिलकामांझी थाना अध्यक्ष युवक को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूछताछ के क्रम में आरोपी अधिवक्ता पप्पू यादव ने कबूल किया कि वह पहले भी हथियार लेकर घूमता था। पुलिस के मुताबिक वह दहशत फैलाने के उद्देश्य से हथियार लेकर घूम रहा था। फिलहाल आरोपी के आपराधिक पृष्ठभूमि को भी खंगाला जा रहा है। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि श्रावणी मेला को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी से ही गंगा घाट की नियमित सफाई और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। DM ने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेला में जिला प्रशासन की ओर से विशेष ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इस ऐप के माध्यम से मेले से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी साझा की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिल सके। सुल्तानगंज में बड़े पैमाने पर श्रावणी मेला का आयोजन होता है। आप इसमें हमारे लाखों की संख्या में कांवरिया बंधु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उसी को लेकर के विभिन्न विभागों के साथ अभी समन्वय बैठक आयोजित की जा रही है और समीक्षा की जा रही है, और हम लोग इस बार सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पे और काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे। कुछ स्पेस कॉन्स्टेंट्स हैं, हम लोग उसको भी मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बार हम लोग एक एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे, मोबाइल ऐप, जिससे कि हमारे कंवरिया बंधु ये बता सकें हमें कि वो कब आना चाह रहे हैं, ताकि हम यदि हमारे पास क्राउड ज़्यादा होता है तो उसको लेकर के हम अलग से तैयारी भी कर सकें, या जो टाइमिंग रहेगा एक खास समय में ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको हम मैनेज करने के लिए अपने अधिक अधिकारियों को लगा सकें, अधिक सुविधाएँ मुहैया करा सकें। इसके अतिरिक्त भी साफ़ सफाई के लिए हमने प्रत्येक 3 घंटे पे साफ़ सफाई का करने का निर्देश दिया है, और समुचित संख्या में शौचालय है, स्नानघर है या पानी की व्यवस्था है, शेड है, इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग विचार हैं। देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई टोटो रूट कोडिंग व्यवस्था विवादों में घिर गई है। एक ओर जहां लगातार टोटो चालक इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुधवार को मुजाहिदपुर थाना परिसर में पुलिस और टोटो चालकों के बीच तनातनी देखने को मिली। दरअसल कुछ टोटो चालकों का रूट कोडिंग अलीगंज से कोयला डिपो तक निर्धारित किया गया है, लेकिन आज ये चालक मुजाहिदपुर थाना के सामने से गुजर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती टोटो से यात्रियों को उतार दिया और चालकों को 5,000 रुपया जुर्माना भरने का निर्देश दिया, जिसके बाद टोटो चालकों को थाना ले जाया गया। वहीं टोटो चालकों का आरोप है कि रूट कोडिंग के बावजूद पुलिस कर्मी उन पर जबरन धौंस डाल रहे हैं। टोटो चालकों का कहना है कि वे निर्धारित रूट का ही पालन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेवजह परेशान कर दिया है। इधर इस मामले में मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष का कहना था
कि टोटो चालक गलत रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल यह घटना टोटो रूट कोडिंग व्यवस्था को लेकर बढ़ते विवाद को दर्शा रहा है। टोटो चालकों का कहना है कि यह व्यवस्था उनके लिए नुकसानदायक है, वहीं पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। कोयला डिपो जाने के क्रम में हमको पकड़ा गया, हमारे पास कोयला डिपो का रसीद तक है, ये देखिए आज के डेट का, इस हिसाब से हमको पकड़ने का अलाउ नहीं है, हमको पहले ही बोल दिया है। तो जबरदस्ती पकड़ा गया है? अच्छा, क्या बोल रहा है वहाँ थाने से? कौन बोला ये बात? नहीं, बड़े अफसर भी बोले थे, बड़े अफसर भी आए थे, लेकिन वो अभी निकल गए। क्या बोले? जमा गाड़ी घुसवा करके निकल गए। गाड़ी अलीगंज से आ रहा था, यहाँ थाने में सीधा घुसा दिया। कौन घुसा दिया? मुंशी जी। क्या बोला? बोला 5,000 दो, पैन कार्ड और जा लीजिए। कोडिंग दिया हुआ तुम लोगों को? कहाँ से कहाँ तक का कोडिंग है? कोडिंग दिया हुआ, उसके बावजूद भी थाना गाड़ी घुसा दिया? जबरदस्ती वाला काम। आप क्या बोल रहा है? 5,000 चालान कटवाओ, जा ले। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनवर। 6 नंबर से पैसेंजर लेके निकल रहे थे, मेरा पान दुकान के पास गाड़ी खड़ा करके सब पैसेंजर उतरवा लिया, और गाड़ी बोल दिया थाने घुसा। कौन उतरवा दिया? थाने का मुंशी। कोडिंग दिया हुआ है? कोडिंग कहाँ से कहाँ तक है आपका? कोडिंग कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से कोयला डिपो तक, मगर हमने 6 नंबर तक चलते हैं कि कोयला डिपो जा रहे थे सर जी, तो रास्ते में हमको यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अफरोज। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर में लोगों की जान भी जा रही है। ताजा मामला नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां NH 31 स्थित भगवान पेट्रोल पंप के पास बुधवार को एक हाईवा और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक खलासी समेत 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में प्राथमिक उपचार के लिए नारायणपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खगड़िया से पैसेंजर लेकर नवगछिया जा रही बस और तेज रफ्तार हाईवा दोनों ही विपरीत दिशाओं से आ रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के मोड़ के समीप ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और दोनों वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस खाई में पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार ज्यादा लोग नहीं थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद भवानीपुर थाने पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि हादसे में 5-6 लोगों को गंभीर चोटें आई है, फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर कचहरी रोड स्थित एक होटल में आज देखे जरा नाम एक अनूठी रील पोस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निदेशक ने कहा कि यह प्रतियोगिता बिहार में पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने का है, जो वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी, पोस्टर एडिटिंग और ड्रोन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा
कि इस प्रतियोगिता में ब्लॉगर्स और आयोजन समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। दरअसल इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उनकी प्रतिभा दिखाने का एक अनूठा मंच प्रदान करना है। वहीं प्रतिभागी अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए रीलों और पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें यह प्रतियोगिता ना बिहार के पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देगी।